पठानकोट के हल्का भुआ में आज कांग्रेसी नेताओं व वर्करों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें यहां पार्टी में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, इन सब पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर वर्करों व कांग्रेसी नेताओं ने इस पर भी चर्चा की और जाना कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर व कई नेता लोग पार्टी की कुछ गलत नीतियों के कारण सहमे हुए हैं और ये कयास लगा रहे हैं कि आगे आने वाले नगर निगम व 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या होगा। और ये सब वह लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से ना तो पार्टी में कोई पंजाब प्रधान है और ना ही जिलों में कोई जिला प्रधान। ऐसे में इन वर्करों को साथ लेकर कौन चलेगा। इन नेताओं ने बताया कि पहले जो पार्टी ने उन्हें जिले में कांग्रेस प्रधान दिया था, वह भी वर्करों व कांग्रेसी नेताओं को एक साथ लेकर चलने में असमर्थ था, जिसके चलते पार्टी को नुकसान हो रहा था और अब बिल्कुल ही प्रधान नहीं है। इन नेताओं व वर्करों ने पार्टी हाई कमांड पंजाब के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान देना चाहिए व जिलों व पंजाब में पंजाब प्रधान देना चाहिए ताकि आगे पार्टी की कोई रणनीति बन सके। इन लोगों ने यह भी मांग करते हुए कहा कि अब पार्टी इस ओर भी ध्यान दे कि यदि कोई जिला प्रधान देना है तो वह कोई जनरल जाति से संबंध रखता हो। उधर कुछ लीडरों ने इस मीटिंग में अपनी पार्टी से नाखुश होकर अपने पद से इस्तीफा भी दिया और कहा कि उन्हें किसी बड़े पद की जरूरत नहीं है, बल्कि वे वर्कर ही रहकर पार्टी की सेवा करने को तैयार है और उसके लिए उन्हें कोई अच्छा जिला प्रधान चाहिए जो पार्टी के सारे वर्करों को साथ लेकर चले। उधर जब इस संबंधी हल्का भुआ के विधायक जोगिंदर पाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी वर्करों की मांग है कि इसलिए पार्टी हाईकमांड को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भी चाहते हैं कि इस पार्टी को जल्द ध्यान देना चाहिए। नेशनल टीम के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। एक मीटिंग हुई है चापलाड़ी के बीच थोड़े वर्क नालों की थी, तो प्रधान की मांग को लेके की कहना चाहते हैं? देखो बिल्कुल वर्कर जड़ा मायूस है, जिहड़ी जिले की कार्यकारिणी है जिला प्रधान जिहड़ा बनाया सी पहले वो जिले की कार्यकारिणी नहीं 1.5 साल च बना सकिया, तो लोगों च रोस तो है ही है। जिस तरह साढ़े कारपोरेशन के इलैक्शन आ गए है, वो तो बाद म्यूनसिपैलिटी के इलैक्शन सुजानपुर के भी आ गए है, तो प्रधान का भी बड़ा बड़ा रोल हों। मेरी भी यही मंग है, मैं भी जाकड़ साहब अगे मंग रखदा कि तुसी जे कोई प्रधान लगाना है तो जल्दी लगाओ। पर मेरी एक मंग जरूर है उन्हें अगे, मेरी 84-84 जी रिजर्व कैटागरी है, इतों का विधायक मैं बेसिकली रिजर्व है, तो जे थानू बोधा हैगा इस गल के उत्ते भी आप इतों का ही प्रधान बनाना भोए का ही बनाना, तो फिर जनरल कास्ट का बनाना चाहिए। मेरी सोच के मुताबिक जिहड़ी मेरा इलाका है इत्थे रिजर्व कैटागरी ज़्यादा है, जो MLA बन गया तो सारे रिजर्व कैटागरी MLA बन गए। सुजानपुर खाली पिया, पठानकोट खाली पिया, मेरे हिसाब नाल कोई पढ़िया लिखिया जनरल कास्ट का जिहड़ा बंदा है वो प्रधान बनना चाहिए। लेट होता की कारण 2022 सिर पर आ गया इलेक्शन, विधानसभा के भी नगर निगम के भी सिर पर, क्यों नहीं पार्टी बना रही है? क्योंकि ये हाई कमांड दियाँ अपनिया सोचा ने, मैं इस करके तुहाडे केबल दे राही माध्यम राही बोलना चाहना, जे मेरी वार्ड कोई हायर लीडर सुनदा होवे, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनदा होवे, चाहे जाकड़ साहब सुनदे होण, चाहे प्रताप सिंह बाजवा सुनदा होवे, चाहे सोनिया गांधी सुनदी होए, चाहे राहुल गांधी सुनदा होए, तो चाहे प्रियंका गांधी सुनदी होए, मेरी पार्टी के जिहड़े कदावर नेता ने, उन्हां अगे मेरी मंग है कि लोगों नूं राइट्स मिलना चाहिए। अज साड़ी जिहड़ी मेन मीटिंग है इहदा मुद्दा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट नाल जुड़िया होया, कारण यह है कि साढ़े हल्के 3 कंस्टिट्यूएंसियां पैंदियां जिले च, पठानकोट, सुजानपुर और भोआ। इत्थे 60-65% आबादी जिहड़ी है वह SC दी है, और जदों भोए दे विच हाई कमान ने MLA SC कांग्रेस का बना दिता, फिर जिला प्रधान SC बनदा कोई रीजन नहीं रहिंदा। मैं हाई कमान नूं जोर अपील करदा कि बाकी कास्ट नाल भी देखो, सैनी सैनिया चो कोई आ जाए, कोई महाजना चो आ जाए, कोई पंडतां चो आ जाए, मतलब SC दा इत्थे कोई भी बनन दा तुक नहीं बनदा। दूजी बेनती मेरी ये है, अज मैं बड़े दुखी मन दे नाल मैं कांग्रेस सेवा दल च भी रहा, यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेजिडेंट भी रहा, सीनियर कांग्रेस का वाइस प्रेजिडेंट भी रहा, मैनू अनिल विज होना ने जिले का वाइस प्रेजिडेंट बनाया ही,
अज मैं एक तुहानू कहना चाहुंदा कमेटी साडी भंग हो गई है, पर फिर भी मैं अपना रिजाइन जखड़ जाखड़ साहब नूं भेज रहा कि जाखड़ साहब मेरा रिजाइन तुसीं कबूल करो। मैं आने वाली कमेटी दे विच भी कोई उद्दा नहीं लैना चाहता, उसका कारण यह रवांगा कांग्रेस च, है भी कांग्रेस या खून च भी कांग्रेस, रवांगा कांग्रेस। पर कार्यकर्ता कार्यकर्ता जिहड़ा हुंदा ना, जिहदा MLA हुंदा एक्स हो जाता, MP हुंदा एक्स हो जाता, प्रधानमंत्री हुंदा एक्स हो जाता, पर जिहड़ा कार्यकर्ता ना वो एक्स नहीं हुंदा। इस करके मैं कार्यकर्ता की प्रोग्राम सुना प्रोग्राम अच्छी जी अपने वर्करों की एक मीटिंग सी छोटी जी, जिहदे विच अपने जिहड़े जिले की बॉडी या पंजाब की बॉडी उहदे बारे चर्चा हुई है। जिस तरह पिछले 2 साल तो जी पूरे पंजाब की जी बॉडी है भंग हैगी है, तो मैं अभी पार्टी अगे हाई कमांड अगे मंग करते हैं कि जी पंजाब की बॉडी भी बनाई जाए, पंजाब की बॉडी के नाल जिले की बॉडी बनाई जाए। को बाडी जी पंजाब की बाडी ना बनना करके या जिले की जी बाडियां ना बन करके जेडे साडे वर्कर उन्होंने जी निराशा का थोड़ा मोल पाया जा रहा, थोड़े निराश वर्कर जो उनके जो वर्कर उत्साह नहीं है, मतलब कि इस गलू महसूस करते हैं कि ना कि भी जी बाडियां क्यों नहीं बनाई जा रही। जिस तरह मतलब कि पंजाब की बाडी जिस तरह 22 पूरी पंजाब की बाडी भंग हैगी है, कि जिले की बाडी भंग हैगी, जिससे कोई भी प्रधान नहीं है, किसी भी जिले प्रधान नहीं चुने गया, तो जिसे करके सारे जिले में पूरे पंजाब जी है जो निराशा का माहौल पाया जा रहा है। तो मेरी हाई कमांड अगर मंग है कि जी बाडियां जल्दी जल्दी जड़िया ना बनाई जा, क्योंकि अगे इलैक्शन आ रहे हैं, तो जोड़ा वर्कर है वह भी कितने सोचता भी जो वर्कर भी जो मन का मान सम्मान जो मिलना चाहिए। जिले के प्रधान अं एक्टिव प्रधान चाहते हैं, जो सारे बंद सारे ग्रुपों को लैके चले, जो कोई पार्टीबाजी ना हो। तो वैसे तो मैं कहना चाहना भी जी पिछला प्रधान से भी कोई कितना ना कितने विफलता हैगी है, भी जो जी प्रधान रेंदे हुए भी जी अपनी जी बॉडी नहीं बना सके, तो यदि मजबूरी तो उ दस सकते भी क्यों नहीं बॉडी बना सके।